डेकोरेटिव पेंट, ऑटोमोटिव स्पेशलिटी, इंडस्ट्रियल मरीन प्रोटेक्टिव यॉट और पाउडर कोटिंग्स बनाने वाली यह है देश की दिग्गज कंपनी। ड्यूक्लिस नाम से इसकी पेंट की एक बड़ी फेमस ब्रांड है, आप जानते ही हैं। एक्जो नोबल के टॉप मैनेजमेंट से करते हैं मुलाकात। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव राजगोपाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर नवंबर 2018 से मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है और साथ ही SPGN मुंबई से आपने MMS मार्केटिंग में भी डिग्री हासिल की है। राजगोपाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फेस्टिव सीजन आ रहा है तो हमने सोचा कि एक बार जरा आपसे बुलाकर जाने समझे इंडस्ट्री का क्या हाल है, इस बार का फेस्टिव सीजन कितना मजबूत दिख रहा है। जरा बताएं सर कैसी डिमांड दिख रही है, कैसी तैयारियां आपकी कंपनी की चल रही है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। नमस्कार अनिल जी। जैसे हर साल होते हैं तो फेस्टिव जो दिवाली के जो सीजन होते हैं, ये साल नवंबर सितंबर से लेके अक्टूबर एंड, क्योंकि दिवाली एकदम एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक नवंबर में है, फर्स्ट नवंबर में है, तो काफी हम देख रहे हैं कि अच्छी सेल होनी चाहिए। हमारी जो अंदाज है, आप देखेंगे पिछले क्वार्टर तो हमने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और 4% वैल्यू ग्रोथ की। इसका एक ही वजह था क्योंकि इंडस्ट्री ने और हमने एक प्राइस ड्रॉप लिया था जनवरी से लेके दिसंबर और जनवरी में, जो करीबन 4% की थी और थोड़ी बहुत मिक्स की एक शिफ्ट थी मोर टुवर्ड्स मास एंड इकोनॉमी। या बट अभी आप देखेंगे जो पिछले क्वार्टर में और अभी तक जो हम देख रहे हैं, प्रीमियम की सेल थोड़ी बढ़ रही है। हम पूरे तैयार है सीजन के लिए। हमारी एडवर्टाइजिंग, हमारी जो फ्लैगशिप ब्रांड है ड्यूलक्स वेलवेट टच, आप देखेंगे सीजन के टाइम पे, और हमने दो लॉन्चेस हम कर रहे हैं सीजन के लिए। एक तो हमने ऑलरेडी शुरुआत की ड्यूलक्स वेलवेट टच VT Eterna, जो एकदम टॉप एंड फ्लैगशिप ब्रांड जो है, वो हम जस्ट लॉन्च किए पहले दिल्ली और कलकत्ता में, और धीरे धीरे हम बंबई और बाकी शहरों में लेके जा रहे हैं। और दूसरे हमारे एक्सटीरियर पोर्टफोलियो में जो जहां हम ड्यूलक्स वेदर शील्ड डस्ट प्रूफ को लेके आ रहे हैं, और ये दो हेवी हिटर्स हैं हमारी पोर्टफोलियो में। हम उम्मीद रख रहे हैं कि जो करंट क्वार्टर और जो आगे के क्वार्टर्स हैं, हम जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो डबल डिजिट मेंटेन रखें। ओके परफेक्ट। तो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ भी आई और वैल्यू ग्रोथ भी 4% से बढ़िया रही है, पिछला क्वार्टर मजबूत रहा है और ऐसी उम्मीद। तो आपका जो फोकस है, आपने बताया कि आपकी जो फ्लैगशिप ब्रांड है उसमें जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, राइट सर, हाई मार्जिन वाले। ओके परफेक्ट। तो यह अच्छा, एक चीज और समझना चाहता हूँ सर। ज्यादातर लोगों को चिंता है ना रूरल डिमांड को लेकर कि वहां पर किस तरह का हाल है, तो इस फेस्टिव सीजन में वहां कैसे सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं सर? अभी हम जो पिछले 4-5 हफ्ते में देख रहे हैं, वहां रूरल के जो डिमांड है वहां थोड़ी बढ़त हुई है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। जिस तरह मॉनसून अक्रॉस इंडिया अच्छी बारिश हो रही है अनिल जी, तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि ये सीजन रूरल के लिए भी अच्छी डिमांड है। वहां भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे मास मार्केट जो प्रोडक्ट है ड्यूलक्स प्रॉमिस और ड्यूलक्स प्रॉमिस स्मार्ट चॉइस, और वहां भी हम एक तगड़ा लॉन्च लेके आने वाले हैं दिवाली के थोड़े पहले। वो कई एक दो स्टेट्स में हम लॉन्च करेंगे टेस्ट करने के लिए कि वो प्रोडक्ट कैसे है। तो हम पूरी तैयारी से चल रहे हैं। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी जो टारगेट है अगले 2 साल में 25,000 आउटलेट्स एक्टिव आउटलेट्स पहुंचने के लिए, और हम देख रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाए ब्रांड में, हम बहुत कर रहे हैं, बहुत इनोवेशन के काम कर रहे हैं। ड्यूलक्स जो है वो बेसिकली बेस्ट इन क्लास क्वालिटी, इंटरनेशनल और कलर एक्सपर्ट, इसके लिए ड्यूलक्स इज अ मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड। तो हम ये करेंगे जो भी कायम रखेंगे इन तीनों जो श्रृंखला है उस पे काम करके टू टेक ड्यूलक्स टू द नेक्स्ट लेवल, तो यही हमारा मकसद है। परफेक्ट। राजगोपाल साहब, क्रूड वैसे तो कंफर्टेबल रेंज में 75-80 की रेंज में है, लेकिन उसको देखते हुए क्या मार्जिन्स बेटर होंगे? और दूसरा ये कि क्या आप कुछ प्राइस हाइक लेने की सोच रहे हैं, अभी जरूरत नहीं है? अनिल जी, हमने ऑलरेडी प्राइस हाइक ले चुकी है, एक तो जुलाई 26 में और एक दूसरे 12 अगस्त में, और ये भी एक इंडस्ट्री भी लिए करीबन 1.5% की। हमने इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हम जो देख रहे हैं अगले क्वार्टर, जो अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर है, जो क्वार्टर 3 है, वहां हम देख रहे हैं कि हमारी जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन करीबन 2% की है, तो
उसको देखते हुए हमने ऑलरेडी ले चुकी है, बाकी तो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं क्रूड एक ऐसे वेरिएबल है जो बहुत एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं, तो हम अपनी सिचुएशन को स्टडी करके फिर हम डिसीजन लेंगे। पर हमारी पहली मकसद है कि हम अपनी कंपिटिटिवनेस जो हमने बिल्ड की, आप देखेंगे कि पिछले 2 साल 3 साल से हम टॉप 2 प्लेयर्स ग्रोथ में है, वो हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो रखते हुए हम देखेंगे कि किस तरह की प्राइस इंक्रीज और मार्जिन प्रोफाइल होनी चाहिए। फिलहाल जो हमारी लास्ट क्वार्टर की एबिट मार्जिन रही वो करीबन 16% की थी, तो दैट वी विल मेंटेन। डेफिनेटली आवर इंटेंट इज दैट हम मार्जिन को इंप्रूव करें, बट फिलहाल हम अपनी कंपेटिटिवनेस और मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट रखें और ग्रो करें। डेफिनेटली सर, और मार्केट को पसंद भी आ रहा है आपकी वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ, और साथ ही आपका स्ट्रॉन्ग आउटलुक और फेस्टिव सीजन की तैयारी जो आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट, और आप जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया, बातचीत की, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, और बाजार को पसंद भी आ रहा है राजीव राजगोपाल साहब जो बड़े स्ट्रॉन्ग अपनी तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। देखिए डे हाइपर स्टॉक भी एकदम तेजी से उछल कर अब यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़